हो जाओ। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल। आई होप यू ऑल आर फाइन। मैं रंजना चौहान। मेरा ये फ्राइडे का व्लॉग है गाइस। सो सुबह फ्राइडे की जो मेरी प्रिपरेशन हुई वो इस तरीके से हुई कुछ कि बच्चों को फिर से दोबारा ब्रेड पकौड़ा खाना था, तो फिर मैंने इनके लिए ब्रेड पकौड़ा दोबारा अगेन बनाया। तो उनको कुछ ज़्यादा ही पसंद आया लियो को, तो लियो को स्कूल के लिए ब्रेड पकौड़े खाने का ही मन था, तो मैंने भी उसी की प्रिपरेशन कर दी दोबारा से कि भाई इनको अच्छा लग रहा है तो कोई नहीं। और फिर इधर दो ब्रेड पड़े थे और आलू बचा था, तो मुझे ऑयल कम लग रहा था, तो फिर मैंने सोचा कि चलो एक बटाटा वड़ा बना देते हैं। तो मैंने वड़ा पाव बना दिया था। तो इधर मेरी चाय बॉयल हो रही है, सो और यहाँ मैंने डाल दिया था दूध गाइस चाय के अंदर। तो यहाँ मेरी चाय बॉयल हो रही है। और यहाँ मैंने इनका लंच पैक कर दिया था गाइस। तो इधर मैंने यहाँ पे लंच पैक कर दिया था। इन दोनों के टिफिन मैंने पैक कर दिए हैं। सो इधर इन टिफ़िन पैक हो चुके हैं और इनको स्कूल के लिए रेडी कर दिया है मैंने। अब ये चाय पीएंगे आज। इनका चाय पीने का मन था, थोड़ा मौसम ऐसी था। सो इधर फिर मैंने चाय की प्रिपरेशन कर दी थी इनके लिए। और अब मैं जा रही हूँ इनको स्कूल बस के लिए ड्रॉप करने गाइस। तो हम तीनों जा रहे हैं बस के पास। अभी बस आएगी 6:40 तक। फिर आगे नहा धो के पूजा कर ली थी गाइस मैंने। और यहाँ पे जैसे कि मैं रेगुलर धुनी लगाती हूँ घर में पॉजिटिविटी के लिए, सो दैट मैंने यहाँ पे उपला लिया। उपले में देसी घी डाला थोड़ा सा एंड इसमें डालूँगी मैं थोड़ी सी देसी खांड। तो यहाँ मैंने सो डाल दी है देसी खांड इसमें। और अब मैं लगा लूँगी गाइस धोनी घर में। तो यहाँ मेरी धोनी लगा रही हूँ मैं घर में अपने। और फिर यहाँ गाइस मैंने रख दी अरबी बॉईल होने के लिए और ये प्याज लहसुन का पेस्ट बनाने के लिए। ग्राइंड कर दूंगी इस पेस्ट को मैं प्याज लहसुन अदरक प्याज के। और इधर मैंने कढ़ाई रख दी थी गैस पर गाइस। तो यहाँ पे मैं अपना मसाला भून लूँगी। तो हमने इसमें प्याज लहसुन अदरक का पेस्ट डाल के जीरा डाल के मैंने इसे भून लिया है गाइस। टमाटर ऐड करा, सम दही, तीन चम्मच दही ऐड किया है मैंने इसमें एंड ऑयल। देखिए कैसे आ रहा है इसमें बबल्स जो बन रहे हैं ये। एंड इसमें डालेंगे हम धनिया पाउडर एंड लाल मिर्च पाउडर आधा चम्मच से थोड़ा सा कम एंड सॉल्ट
एंड थोड़ा सा गरम मसाला। एंड सॉल्ट 1 टीस्पून एंड इसको हम मिक्स कर देंगे अच्छे से। एंड इसको अच्छे से मैं भून लूँगी अपने मसाले को। और मैंने यहाँ पे अरबी छोड़ दी है इसके अंदर गाइस, तो मैं अच्छे से इसको मिक्स कर लूँगी। तो यहाँ मेरी अरबी इधर भून चुकी है गाय, भून रही है इतने में स्लो फ्लेम पे। और यहाँ मैंने प्याज टमाटर और खीरा मैंने चॉप कर लिया था, कट कर लिया था, तो मैं इसमें ऐड करूँगी अब। इसमें हम अब ऐड करेंगे मलाई अपनी, ये हमारी घर की अपनी मलाई है घर के दूध की, तो इसमें मैं मलाई ऐड कर दूँगी। देखो कैसी थिक मलाई है हमारे घर की ये, तो ये जो थिकनेस है इसको मैं ऐड कर दूँगी इसमें, अच्छे से मिक्स कर दूँगी। और एंड इसमें मैं मिक्स करूँगी अब सम ऑर्गेनो पाउडर फ्लेवर के लिए, सम सॉल्ट, स्लाइटली सा सॉल्ट हमने ऐड कर दिया इसमें। एंड मिक्स वेल सो दैट मिक्स वेल। और इधर मेरी अरबी अच्छे से भून चुकी है गाइस, बन चुकी है, ये मैंने सूखी बनाई है अरबी। और इसे मैं धनिया से गार्निश कर दूंगी, थोड़ी सी बनाई है कुछ लोगों के लिए जिनको सूखी अरबी पसंद है घर में, सो दैट मेरी अरबी रेडी है। एंड इधर मैं फिर रख दूंगी कढ़ाई गैस पर। और सो गाइस इधर मैंने कढ़ाई रख दी है गैस पर और उसमें रिफाइंड मिलाया थोड़ा सा। तो क्या हमारा रिफाइंड इसमें गरम होगा कढ़ाई में, और हम इसमें ऐड करेंगे सम अजवाइन। अजवाइन के बाद हम डालेंगे इसमें लहसुन प्याज अदरक का पेस्ट, उसको हम ऐड कर देंगे। एक कटोरी मैंने बनाया है सो इधर हम इसको अच्छे से भूनेंगे गाइस। तो ये हमारा भून के इतना ऐसा ब्राउन हो गया, तो मैंने टमाटर डाल का पेस्ट डाल दिया है इसके अंदर। और अब मैं इसमें ऐड करूँगी लाल मिर्च, हल्दी, थोड़ा सा धनिया पाउडर एंड थोड़ा सा गरम मसाला डालेंगे। तो यहाँ गरम मसाला मैंने ऐड कर दिया है, अब हम इसमें आवश्यकता अनुसार इसमें सॉल्ट ऐड कर देंगे। सो इधर हम सॉल्ट ऐड करेंगे इसमें 1 टीस्पून और अच्छे से इसको मसाला हम भुनने के लिए रख देंगे स्लो फ्लेम पर। एंड इसमें दही ऐड कर दिया है मैंने एंड अच्छे से इसको मैं मिक्स वेल कर लूँगी। और एंड एंड इस पे ऑयल आने लगा है। और अब मैं ये कट चॉप किया हुआ अरबी इसमें डाल दूँगी एंड 1 ग्लास वाटर सम ऐड एंड समटाइम्स अ बॉइलिंग
सो यहाँ पर मैंने अरबी में पानी डाल ऐड कर दिया है और इधर रख दी है। इधर मैंने ब्रेड ले लिए हैं, ब्रेड के कुछ स्लाइस ले लिए हैं और जो मैंने पेस्ट बनाया था, मिक्सचर बनाया था टमाटो खीरा प्याज का मलाई ऐड करके, वो मैं इसमें अच्छे से ऐड कर ब्रेड पे लगा दूंगी। और इस तरीके से मेरा ये लग चुका है और यहाँ मैं ब्रेड को अच्छे से तवे पे मैंने डाला रिफाइंड। तो ये मेरा है ब्रेड, मलाई ब्रेड, वेजिटेबल मलाई ब्रेड है ये मेरा। एंड हम इसको अच्छे से रिफाइंड ऑयल डाल के, बटर भी डाल सकते हैं एज यू विश एज यू लाइक। सो मैं इसको इस तरीके से डीप वो कर लूँगी ब्राउन। तो ये मेरे ब्रेड रेडी है, मलाई वेजिटेबल्स मिक्स सैंडविच एंड सॉसेस। सो ये हमारा ब्रेकफास्ट था और इधर अरबी रेडी हो चुकी है गाइस, जो मैंने तरी वाली अरबी बनाई है। तो यहाँ मैंने गार्निश कर दी थी अरबी को हरा धनिया से। तो यहाँ हमारी सब्जी रेडी हो चुकी है। सो अब बच्चे आएंगे स्कूल से तो उनके लिए भी कुछ भी खा सकते हैं, वो सूखी अरबी भी ले सकते हैं एंड तरी वाली अरबी भी खा सकते हैं। तो मैंने रेडी कर दिया था। और गाइस ये शाम की धुनी है अगेन। तो मैंने शाम को भी दोबारा धुनी लगाई है। सो यहाँ पे मैं पूरे घर में लगा रही हूँ धुनी, अच्छे से मैं धुनी लगा के दोनों रूम में मैं धुनी अच्छे से लगा दूंगी गाइस। तीसरे वाले रूम में आ गई हूँ अब मैं और यहाँ भी मैंने धुनी लगा दी है, इससे एक पॉजिटिविटी बनी रहेगी घर की। तो मैं सुबह शाम बना लगाती हूँ ये, कभी कभी मैं सेकंड वीडियो नहीं दिखा पाती हूँ। और फिर इधर मैं आ गई थी आटा गूंदने के लिए गाइस। तो यहाँ हमारा आटा गूंद गया है, तो यहाँ मेरी सब्जी रेडी हो चुकी है अरबी की। और इधर मैं अपना गिरी मेरी सब्जी अरबी की और यहाँ आटा रेडी कर लेंगे, मांड लेंगे आटे को अच्छे से। तो इतने में हमारा आटा रेडी होगा गाइस, अच्छे से हम इसको गूंथ लेंगे। तो ये हमारा आटे का डो रेडी हो चुका है और मैं इसको रेस्ट के लिए रख दूंगी थोड़ा रिफाइंड लगा कर। इसमें हमने रिफाइंड लगाया और इसको रेस्ट के लिए रख देंगे ढक्कन लगा कर। सो गाइस ऐसा आएगा आज का डे फ्राइडे, हैप्पी फ्राइडे। तो ये मेरे आटे का डो रेडी है और हम इसको ढक्कन लगा के स्टोर कर दूंगी मैं फ्रिज में। और जैसे ही थोड़ी देर बाद ही ठीक हो जाएगा फिर हम अपने फुलके रेडी कर लेंगे।
गाइस हमारा ये आटे का डो रेडी हो चुका है। सो गाइस यहाँ हम अपने फुलके रेडी करने के लिए तैयार करते हैं लंच के लिए। सो इधर मैं आटे की लोई का पेड़ा बना के आटे को बेलेंगे रोटी को। तो यहाँ हमने बेलना शुरू करा मैंने, और मैं एक ही बाय वन करके अपने रोटियाँ बेलती जाऊँगी एंड उतारती जाऊँगी। सो गाइज ये थी हमारी रोटी पहली, और ऐसे हम अपने फुलके सेकते रहेंगे। सो गाइज हमारे फुलके यहाँ पे उतरने चालू हो गए हैं, और गरम गरम फुलके हैं, गरम गरम चपातियाँ। एंड सो अब हमारे फुलके एक एक करके उतर जाएंगे, और एक एक करके मैं बेलती रहूँगी ऐसे। तो ये था मेरा आज का फ्राइडे का व्लॉग गाइस, और ये रही दो चपातीज़ और अरबी स्पेशल सूखी, ये मैंने खाना दे दिया था अंदर सिस्टर को। और यहाँ मैं फिर आ गई थी अपनी चपातियाँ रेडी करने के लिए गाइस। सो यहाँ पे मैं अपनी चपाती रेडी कर रही हूँ, एंड सारी चपातियाँ ऐसी मैं बना लूँगी। और मेरा जो फ्राइडे का लंच अपना है वो ये रहेगा गाइस। तो मैंने ली रस्से वाली अरबी अपने लिए कटोरी में थोड़ी सी, एंड टू चपाती, एंड थोड़ी सी सूखी अरबी, और सम खीरा। सो ये मेरा था लंच आज का। तो मेरा फ्राइडे का ये व्लॉग कैसा लगा आपको गाइस?